तो आज की हमारी रेसिपी है बची हुई रोटियों से एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट डिनर, जिसमें आप खाना चाहें उसमें आप बना सकते हैं इसे, और बहुत ही कम तेल में बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो चलिए इस रेसिपी को अब शुरू करते हैं जल्दी से। लेफ्ट ओवर रोटी की रेसिपी अब शुरू करते हैं। अब रोटी के लिए फिलिंग बनाते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे या कढ़ाही ले लें आप, उसमें अब हम लोग थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं, 1 टेबल स्पून के करीब। ऑयल के गर्म होते ही उसमें अब हम लोग ये ग्रीन कैप्सिकम है वो डाल देते हैं, थोड़ा सा रेड कैप्सिकम डाल देते हैं। मैंने सारे थोड़ा थोड़ा हाफ हाफ कप के करीब सारा कैप्सिकम लिया है, रेड और येलो बेल पेपर और ग्रीन कैप्सिकम। आपके पास जो सब्जी अवेलेबल हो आप वो ले लें। इसे हम लोग थोड़ा चाइनीज स्टाइल में बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी सब्जियां सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे अब हम लोग 2 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। कैप्सिकम को हमने 2 मिनट कुक कर लिया है, तो अब इसमें मैंने यहाँ पे 1 ग्रेट करके गाजर ले लिया है, उसे ऐड कर देते हैं और उसे भी थोड़ी देर हम लोग कुक कर लेंगे। सब्जियां थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं इतना हमें कुक करना है, बस ज्यादा भी नहीं कुक करना है कि उसका क्रंच चला जाए। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा इसे। बच्चे जो सब्जियां नहीं खाते हैं उनके लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी है। आप रोटी में इसे बहुत ही अच्छे वे में, हेल्दी वे में बना करके अपने बच्चों को सब्जियां खिला सकते हैं और इसे आप लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो हमारा गाजर भी थोड़ा कुक हो गया है, तो इसमें अब हम लोग, ये देखिए मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। नमक डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे बस हम लोग 1 मिनट के लिए ढक के पका लेते हैं। एक मिनट हो गया है, ये देखिए हमारी सब्जियां भी अब अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब बस इसमें हम लोग ये, मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज स्लाइस करके प्याज ले लिया है, तो प्याज को भी इसमें डाल देते हैं। सब्जियां आप अपने अकॉर्डिंग कर लें, जो आपको, आपके बच्चों को पसंद हो, जो आपको पसंद हो, आप अपने हिसाब से सब्जियां ऐड कर सकते हैं। कुछ सब्जियां जैसे बीन्स हो गए या फिर कैप्सिकम हो गया, जो बच्चे नहीं पसंद करते हैं खाना, वो भी आप इजीली इस रेसिपी में डाल, रोटी में डाल के बच्चों को खिला सकती हैं। तो अब हम लोग अनियन को भी थोड़ी देर कुक कर लेते हैं। तो प्याज भी थोड़ा सा भुन गया है, तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून के करीब, उसे भी ऐड कर देते हैं। इसे हम लोग यहाँ बीच में इस तरह से ऐड करेंगे कि ये अच्छे से कुक हो जाएगा, तो अदरक लहसुन का कच्चापन भी निकल जाएगा और फ्लेवर बहुत अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएगा। अदरक लहसुन को मिक्स कर दिया है, और अदरक लहसुन मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि पहले डालने से हो सकता है वो कभी कभी थोड़ा जल जाता है, तो इसीलिए अभी डाला ताकि उसका अच्छा सा फ्लेवर आए और जला हुआ फ्लेवर बिल्कुल नहीं आए। तो अभी इसे हम लोग थोड़ी देर कुक कर लेते हैं, 2-3 मिनट के लिए अच्छे से ढक करके। 2 मिनट बस इसे कुक किया है मैंने। अब इसमें ये 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप चाहे तो इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप तीखा खाते हैं ज़्यादा। तो अब इसमें डाल देते हैं, यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस, ये है ग्रीन चिली सॉस 1 टीस्पून के करीब, 1 टीस्पून के करीब रेड चिली सॉस और 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून जैसा आपको पसंद हो टोमेटो केचप का स्वाद, उस हिसाब से आप डाल लें। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब लिया है
और अब सबको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी को ट्राई करते हुए मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। और लास्ट में अब इसमें 1 टीस्पून के करीब ये विनेगर डाल देंगे। विनेगर आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको उतना टैंगीनेस पसंद नहीं होगा तो। बस इसे अब हम लोग 2 मिनट कुक करेंगे। ये देखिए हमारी सब्जियां अब अच्छे से पक गई हैं, इनका कलर भी बिल्कुल अभी अच्छा दिख रहा है। तो बस इसे 2 मिनट ढकते हैं, फिलिंग रेडी हो जाएगा। ये देखिए 2 मिनट हो गया है, ये देखिए सब्जियों का कलर कितना अच्छा है, एकदम परफेक्ट कलर हो चुका है ये देखिए। तो अब हम लोग कर देंगे गैस को बंद, हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है ताकि इसका क्रंचीनेस भी बना रहे सब्जियों का। और चलते हैं अब रैप बनाने के लिए। फिलिंग तैयार हो चुकी है, तो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास ये देखिए लेफ्ट ओवर रोटी जो होती है या जो सुबह की रोटी होती है जो भी आप, या फ्रेश रोटी के साथ भी आप इसे बना सकते हैं। तो जिस साइड फिलिंग हम लोग डालने वाले हैं रोटी में, उस साइड बस हल्का सा तेल डाल करके पैन में, ये जरा सा बस तेल डाल के इसे इस तरह से ब्रश कर लेते हैं। ये देखिए एक साइड जो जिधर हम लोग फिलिंग डालेंगे उधर बस हल्का सा इसे हम लोग गर्म कर लेंगे रोटी को, इस तरह से हल्का सा हम लोग सेक लेते हैं। हमें रोटी को बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, ये देखिए मैंने बस ज़रा सा इसे सेका है, ज़रा सा गर्म किया है, नहीं तो रोटी जो है वो बहुत क्रिस्पी हो जाएगी और फिर रैप अच्छा नहीं बनेगा। तो अब चलते हैं इसमें फिलिंग डालने के लिए। तो ये रही हमारी रोटी और ये है हमारी फिलिंग, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो इसे अब हम लोग इस तरह से रोटी पे डाल देते हैं। इस तरह से इसे रोटी में हम लोग डाल देंगे और फिर इसे हम लोग इस तरह का रैप बना देंगे। ये देखिए ये इस तरह से मैंने यहाँ पे सारी फिलिंग डाल करके, तो इस तरह से मैंने इसे सेंटर से फोल्ड कर दिया है। ये देखिए मैंने सारी रोटियों को रैप की तरह बना लिया है। अब चलते हैं इसे फिर से हम लोग कुक कर लेते हैं। तो पैन में अब डालते हैं हम लोग थोड़ा सा तेल, तेल डाल दिया है तो अब इसमें अब रैप को डाल देते हैं। इस तरह से हम लोग रैप को डाल देंगे, इसे हम लोग लो फ्लेम पे इस तरह से कुक कर लेते हैं ऐसे प्रेस करते हुए, तो ये अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा। एक साइड कुक हो गया है, अब इसे फ्लिप करके हम लोग दूसरी साइड भी पका लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ग्रिल का आया है, आपके पास ग्रिल पैन हो तो उसमें कर लें या नॉर्मल पैन में भी आप इसे कर सकते हैं। दूसरी साइड भी अब हम लोग इसको थोड़ी देर कुक कर लेते हैं। दूसरी साइड भी ये देखिए अब कुक हो गया है, ये देखिए दोनों साइड से अब ये अच्छे से कुक हो चुका है ये देखिए। तो अब चलते हैं इसकी प्लेटिंग करने के लिए। तो ये देखिए हमारी हेल्दी सी लेफ्ट ओवर रोटी की चाइनीज रैप तैयार हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखा दे, ये देखिए कितनी अच्छी फिलिंग आई है, एकदम कलरफुल और टेस्टी लग रही है। तो अब आपको रोटी जो बच जाएगी उसका टेंशन नहीं होगा कि उसके साथ क्या करना है, आप उसमें अच्छे से फिलिंग डाल के अपने बच्चों को जो उन्हें सब्जियां पसंद नहीं है वो भी आप खिला सकती हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, थैंक यू।